हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। स्टूडेंट, यहां आपसे बोला जा रहा है कि आपको ये जो गिवन रेशनल नंबर्स हैं, आप इनको डेसिमल फॉर्म में रिटर्न करें और साथ में बताएं कि यह किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन, क्या मीन्स है इसका। देखो, यह डेसिमल एक्सपेंशन है ना, डेसिमल फॉर्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पार्ट वन होता है टर्मिनेटिंग, जिसका फर्स्ट पार्ट होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग। शायद आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी नहीं जानते हो। देखो, आप 10 को 4 से डिवाइड करो तो आप करेंगे 4 टू टाइम 8, सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 2 हो गया। आपने यहाँ डेसिमल यूज किया, 0 हो गया, और अब आप करेंगे 4 5 टाइम 20। और अब 10 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 या 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग 1 हो गया। डेसिमल लगा के 0 यूज किया, 3 3 या 9, सब्ट्रैक्ट किया 1 हो गया, डेसिमल से 0 यूज किया। आप इसको सुबह से शाम तक करते रहो, बट 1 रिमाइंडर आता रहेगा और आप 0 यूज करके इसे आगे सॉल्व करते रहोगे, बट यह नेवर एंडिंग रहेगा। कहने का मीन्स ये है कि जब डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 हो जाता है, वे नंबर्स जिनको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 हो जाता है, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और जहां रिमाइंडर 0 नहीं होता है, कुछ भी हो बट 0 न हो, उनको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर से बता देते हैं, जैसे आपने 10 को 4 से डिवाइड किया तो यह आंसर आ गया 2.5 और रिमाइंडर हो गया 0। कई बार फर्स्ट टाइम में ना आकर के आफ्टर 1 2 डिजिट, 2 या 3 डिजिट के बाद रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो जिनमें रिमाइंडर 0 हो जाए, वे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, और जहां पर रिमाइंडर 0 न हो, 0 से अलग कुछ भी आए बट रिमाइंडर 0 न आए, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। दैट्स ओके। हमारा फर्स्ट पार्ट है 36/100। आप 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.36। ओवरऑल आपको समझ नहीं आ रहा हो तो 100 से 36 को डिवाइड कर लो, 100 0 टाइम 0, रिमेनिंग 36 हो गया। यहां डेसिमल लिया, 0 यूज किया, 100 3 टाइम 300, रिमाइंडर 60, डेसिमल है 0 यूज किया, 106 टाइम 600, नाउ रिमाइंडर इज 0। यहां रिमाइंडर 0 हो गया ना, तो यह कौन सा डेसिमल हुआ, टर्मिनेटिंग। ओके, इसका आंसर क्या हुआ, 0.36। तो यह कौन सा डेसिमल हुआ, रिमाइंडर 0 आया था ना, इसीलिए यह हुआ टर्मिनेटिंग। अब सेकेंड की बारी है 1/11। स्टूडेंट, आप 1 को 11 से डिवाइड करोगे। देखो, 11 0 जा 0, आपने सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 1 हो गया, डेसिमल लगा के 0 यूज किया। ये अभी भी 11 वन टाइम 11 से स्मॉल है, इसीलिए आप 0 टाइम करेंगे। 11 0 जा 0, सब्ट्रैक्ट किया
टेन हो गया, डेसिमल लगा है, वन मोर जीरो यूज की, इलेवन नाइन जा 99, सब्ट्रैक्ट किया वन हो गया, डेसिमल से जीरो यूज किया, अभी भी ये इलेवन से स्मॉल है तो आप फिर से करेंगे इलेवन जीरो जा जीरो, रिमाइंडर टेन हो गया, इसी डेसिमल से जीरो यूज किया, अगेन इलेवन नाइन टाइम 99, सब्ट्रैक्ट किया फिर से वन हो गया। तो आप इसे कितना भी सॉल्व करो इसका आंसर आता जाएगा 0.09090909 0। यह इसी तरह से चलता रहेगा। ओके, आपने वन को इलेवन से डिवाइड किया तो आपका आंसर आया 0.09090, मीन्स 9090, यह चलता रहेगा। इसे हम जो नंबर बार बार आता रहता है उस पर बार लगा देते हैं। ये सिंबल जो है बार का है, इट मीन्स है कि यह नंबर बार बार आ रहा है, दैट्स ओके। क्या इसका रिमाइंडर जीरो आया था? नहीं, तो यह कौन सा डेसिमल हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, दैट्स ओके। अब थर्ड की बारी है, 4 1/8, ये नंबर है 4 1/8। आप इसे मिक्स फ्रैक्शन करें, 4 8 टाइम 32 + 1 33 हो गए, तो यह हो गया 33/8। अब आप 33 को 8 से डिवाइड करें, 8 4 टाइम 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 1 हो गया, डेसिमल लगाया 0, 8 1 टाइम 8, सब्ट्रैक्ट किया, रिमेनिंग 2 हुआ, डेसिमल से 0 यूज किया, 8 2 टाइम 16, सब्ट्रैक्ट किया 4 हो गया, डेसिमल से 0 यूज किया, 8 5 टाइम 40, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0 हो गया। ओके, यहां रिटर्न कर दें 4.125, इसका रिमाइंडर 0 आया? यस आया। कौन सा डेसिमल हुआ? टर्मिनेटिंग, यहां रिटर्न कर दें टर्मिनेटिंग, दैट्स ओके। नाउ पार्ट 4, 3/13। स्टूडेंट, अब आप 3 को 13 से डिवाइड करेंगे, देखो 13 0 टाइम 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग 3 हो गया, डेसिमल लगा के 0 यूज किया, 13 2 टाइम 26, सब्ट्रैक्ट किया 4 आंसर आया, डेसिमल एंड 0, 13 3 जा 39, सब्ट्रैक्ट किया 1 रिमाइंडर आ गया, डेसिमल है 0 यूज किया, डिवाइड करेंगे अभी भी 0 टाइम होगा, सब्ट्रैक्ट किया 10 रिमाइंडर हो गया, डेसिमल यूज करते हुए 0 कैरी किया, 13 7 टाइम 91, सब्ट्रैक्ट किया 9, डेसिमल है 0 यूज किया, 13 6 टाइम 78, सब्ट्रैक्ट किया 12 हो गया, डेसिमल से 0 यूज किया, 13 9 टाइम 117, सब्ट्रैक्ट किया 3 रिमाइंडर हो गया। अब ये 3 है ना, अब यहां से यह फिर से यही स्टोरी चलने लगेगी, मीन्स ये सारे नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे, बट यह सम कंप्लीट नहीं होगा, दैट्स ओके। आपने डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 0.23076 9,
ये नंबर बार बार आते रहेंगे। इसका रिमाइंडर 0 आया? नहीं, यह तो 3 आया अभी भी। तो यह कौन सा डेसिमल हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। यहां रिटर्न कर दें नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब पार्ट फिफ्थ करते हैं, 2/11। स्टूडेंट, यहां पर हमको 2 को 11 से डिवाइड करना है। देखो, फर्स्ट तो 0 टाइम ही करेंगे, 11 0 या 0, रिमेनिंग 2 हुआ, डेसिमल यूज करते हुए 0, 11 वन टाइम, 11, रिमेनिंग 9, डेसिमल है 0 यूज किया, 11 8 टाइम, 88, फिर से रिमाइंडर 2 हो गया, मीन्स यहां से शुरू होगा। इस तरह से यह 1 8 1 8 1 8 चलता ही जाएगा, बट रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। इसे डिवाइड करके आंसर क्या आया? 0.18 बार बार आएगा, तो यह हम बार लगा दें। क्या इसका रिमाइंडर 0 आया? नहीं, यह 2 आया। तो यह कौन सा डेसिमल हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग। यहां रिटर्न कर दें नॉन टर्मिनेटिंग, दैट्स ओके। नाउ पार्ट 6, 329 डिवाइड बाई 400। 329 डिवाइड बाई 400। देखो स्टूडेंट, यह नंबर 400 से स्मॉल है, इसीलिए फर्स्ट आप 0 टाइम करेंगे, 400 0 या 0, सब्ट्रैक्ट किया, आंसर 329 हुआ, डेसिमल लगा के 0 यूज किया, 4 8 टाइम 32 होता है, और यह 20 सेम टू सेम, सब्ट्रैक्ट करेंगे 90 आंसर आ गया। इस डेसिमल से 0 यूज कर लिया, 4 2 टाइम 800 800 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर 100 आ गया, डेसिमल लगा के 0 यूज किया, अगेन 400 2 टाइम 800 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 200 हो गया। इसी डेसिमल से 0 यूज किया, 4 5 टाइम 20, और यह 20। अब देखो रिमाइंडर हो गया 0, इनको डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 0.8225। क्या इसका रिमाइंडर 0 आया? यस। तो कौन सा हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल, दैट्स ओके। देखो स्टूडेंट, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, ये वाले, तो आप यहां पर रिपीटिंग और नोट कर दें। यह भी बार बार रिपीटिंग हो रहा है, तो आप यहां भी रिपीटिंग नोट कर दें, और यह भी 18 बार बार रिपीट होता था, तो आप यहां भी रिपीटिंग कर दें, दैट्स ओके। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन? इफ सो हाउ? स्टूडेंट, यह आपसे बोला है कि आप जानते हैं कि जब 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.142857। क्या आप इन नंबर्स का आंसर विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन के फाइंड कर सकते हैं? यदि ऐसा कर सकते हैं तो वह कैसे होगा? यहां आपको हिंट भी दी गई है, स्टडिंग द रिमाइंडर वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। आप 1/7 की वैल्यू केयरफुली फाइंड करके रिमाइंडर्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, हम आपको बहुत ही इजी वे में इसे कराते हैं। देखो, आप जानते हैं
वन बाई सेवन इज इक्वल 0.142857 है। यहाँ आपने वैल्यू फाइंड करनी है 2/7। 2/7 आप इसको 1/7 आप इसको 2 × 1/7 कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। इस तरह से ये हो गया 2 × 1/7 की वैल्यू ये है क्या 0.142857। अब आप ये प्रॉपरली मल्टीप्लाई करें, देखो 2 7 टाइम 14, 2 5 टाइम 10 एंड 1 11, 2 8 टाइम 16 एंड 1 17, 2 2 टाइम 4 एंड 1 5, 2 4 टाइम 8 एंड 2 1 टाइम 2, डेसिमल एंड 0। ओके, अब आपने फाइंड करना है 3/7, आपने फाइंड करना है 3/7, तो इस तरह से यह 3/7 हो गया 3 × 1/7 इज इक्वल हो गया, देखो 3 अपने प्लेस पर इंटू, और यह 1/7 की वैल्यू यह यूज कर लोगे क्या 0.142857 इज इक्वल, मल्टीप्लाई करें 3 7 टाइम 21, 3 5 टाइम 15 एंड 2 17, 3 8 टाइम 24 एंड 1 25, 3 2 टाइम 6 एंड 2 8, 3 4 टाइम 12 2 कैरी ओवर 1, 3 1 टाइम 3 एंड 1 4 डेसिमल एंड 0। ओके, अब वारी है 4/7 के, यहां रिटर्न करें 4/7, इसी तरह से यह हो गया 4 × 1/7 इज इक्वल हो गया 4 × 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857, 0.142857। अब आप यह मल्टीप्लाई करें, देखो 4 7 टाइम 28, 4 5 टाइम 20 एंड 2 22, 4 8 टाइम 32 एंड 2 34, 4 2 टाइम 8 एंड 3 11, 4 4 टाइम 16 एंड 1 17, 4 1 टाइम 4 एंड 1 5, डेसिमल एंड 0। दैट्स ओके, अब वारी है 5/7 की, ये है 5/7, इसे आप रिटर्न कर सकते हैं 5 × 1/7 इज इक्वल हो गया 5 × 1/7 की वैल्यू क्या यूज कर रहे हो जी क्या 0.142857 इज इक्वल 5 7 टाइम 35 carry over 3, 5 5 टाइम 25 एंड 3 28, 5 8 टाइम 40 एंड 2 42, 5 2 टाइम 10 एंड 4 14, 5 4 टाइम 20 एंड 1 21, 5 1 टाइम 5 एंड 2 7, डेसिमल एंड 0। ओके, अब नेक्स्ट वाली है 6/7।
सिक्स बाई सेवन इज इक्वल आप रिटर्न कर सकते हैं सिक्स इंटू वन बाई सेवन। अब देखो ये हो गया सिक्स इंटू वन बाई सेवन की वैल्यू आप यूज कर रहे हैं 0.14287। अब आप मल्टीप्लाई करें देखो सिक्स सेवन टाइम 42 कैरी ओवर फोर, सिक्स फाइव टाइम 30 एंड फोर 34, सिक्स एट टाइम 48 एंड थ्री 51 कैरी ओवर फाइव, सिक्स टू टाइम 12 एंड फाइव 17 कैरी ओवर वन, सिक्स फोर टाइम 24 एंड वन 25, सिक्स वन टाइम सिक्स एंड टू एट डेसिमल एंड जीरो। दैट्स ओके, इस तरह से यह सम कंप्लीट हुआ। हमने कहीं भी इसे एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन नहीं किया। दैट्स ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन थ्री, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल जीरो। स्टूडेंट यहां पर आपसे बोला गया है कि आप इन गिवन नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में रिटर्न करें और यहाँ पर p एंड q इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल जीरो है, मीन्स q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब सॉल्व करते हैं, यह पार्ट वन है 0.6 बार। देखो स्टूडेंट ये पार्ट वन है 0.6 बार, ये जो बार है ना इट मीन्स होता है बार बार, मीन्स यह नंबर बार बार है। इसका मीन्स है कि यह 0.6666 अनलिमिटेड टाइम है। ओके, हम यहां टू टाइम यूज कर लेते हैं, यहां रिटर्न करते हैं लेट्स 0.66 इज इक्वल एक्स और इसे हम इक्वेशन वन मान लेते हैं। ये जो इक्वेशन वन है इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप ये जानना चाहेंगे कि 10 का ही क्यों कर रहे हैं, जब कोई सिंगल डिजिट मीन्स वन डिजिट के ऊपर बार हो तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसमें 3 डिजिट के ऊपर बार है तो यहां पर 1000 का करेंगे। ओके, यहां रिटर्न करें मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन वन। देखो ये है 0.66, आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6.6 हो जाएगा ना, इज इक्वल या एक्स है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 10x। ओके, इसे हम इक्वेशन सेकंड नेम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सबट्रैक्ट करेंगे, यहां रिटर्न करें सबट्रैक्ट इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखो इक्वेशन सेकंड ये है 6.6 इज इक्वल 10x। स्टूडेंट ये 0.66 है, ये 0.6 बार से यूज किया गया है, इसीलिए आप इसे 0.6 यूज करें या 0.66 यूज करें, इनकी वैल्यू सेम ही मानी जाएगी। और इक्वेशन वन है 0.6 इज इक्वल एक्स, आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो यह नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। 6.6 से 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर 6.0 आ गया, इट मीन्स 6 आ गया, इज इक्वल या 10x माइनस 1x इज इक्वल 9x हो गया। ये 9x इज इक्वल 6 है तो x इज इक्वल हो गया 6/9। आप इन्हें अप डाउन 3 से डिवाइड कर लें तो ये हो गया 2/3। दैट्स ओके, ये 0.6 बार का मीन्स हो गया 2/3। हमारा सम तो यही कंप्लीट हो जाता है। अब हम आंसर की मैचिंग करते हैं।
आंसर को चेक करते हैं, राइट भी है क्या? जैसे यह 2/3 है, इट मीन्स आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे, तो ये 3 0 जा 0, रिमेनिंग 2 हुआ, यहाँ डेसिमल लगाया, 0 हो गया, 3 6 जा 18, सब्ट्रैक्ट किया, 2 रिमेनिंग हो गया, डेसिमल यहाँ कैरी किया, 3 6 जा 18, फिर से 2 रिमेनिंग हुआ, डेसिमल है, फिर से 0 लगाओ, तो ये 3 6 जा 18, यही चलता रहेगा, इसको हम 0.6 बार रिटर्न करेंगे, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ पार्ट सेकेंड, इट इज 0.47 बार। स्टूडेंट इसका मीन्स है 0.47777 अनलिमिटेड टाइम, ओके। देखो ये 7 बार बार है और ये 4 वन टाइम है। हम सम स्टार्ट करते हैं, यहां रिटर्न करें, लेट्स 0.47 बार इज इक्वल एक्स, इसे इक्वेशन 1 नेम देते हैं। अब यहां रिटर्न करें मल्टीप्लाई बाई 10 टू द इक्वेशन, आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4.7 बार, इट मीन 7 7 इज इक्वल 10x, इसे इक्वेशन सेकेंड नेम दे। अब इस इक्वेशन सेकेंड को अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां फिर से रिटर्न करें मल्टीप्लाई बाई 10 टू द इक्वेशन सेकेंड, आप इस सेकेंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 47.7 इज इक्वल 10x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह 10 10 जा 100 हो गया, इसे इक्वेशन थर्ड नेम दे देते हैं। स्टूडेंट आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहां तो हमने वन टाइम ही 10 का मल्टीप्लाई किया है, यहां पर 2 टाइम क्यों है? एक्चुअल बात यह है कि यहां पर 4 ये ब्लैंक था, तो हम बार के करीब आने के लिए हमने यह 10 का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में जब बार आ जाता है तो हम 10 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से यहाँ पर 2 टाइम 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वेशन 2 के बजाय यहाँ पर 3 बन रही है, ओके। अब आप यहाँ रिटर्न करें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, इक्वेशन थर्ड है 47.7 इज इक्वल 100x, ये 7 बार है ना, तो आप इसे डबल भी कर सकते हैं, और सेकेंड है 4.77 इज इक्वल 10x, आप सब्ट्रैक्ट करें, 100 माइनस 10 90 हो गया, इज इक्वल 77 से 77 लेस हो गए, यह 0 0 हो गया, डेसिमल 47 माइनस 4 ये हो गया 43, इट मीन्स 90x इज इक्वल 43, देन x इज इक्वल 43/90, डन, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट थर्ड, ये है 0.001 बार। स्टूडेंट अब यहां नोट करें 0.001001 यह बार है ना, इट मीन्स यह बार बार आएगा, इज इक्वल एक्स। देखो स्टूडेंट यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार है ना, तो इस इक्वेशन में 1000 से मल्टीप्लाई होगा, यह इक्वेशन 1 है, यहाँ रिटर्न करें मल्टीप्लाई बाई 1000 टू द इक्वेशन 1, देखो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ आएगा, इस तरह से ये हो गया 1.001 इज इक्वल एक्स में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो गया,
यह इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां रिटर्न करें बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड तो ये है ना, और इक्वेशन फर्स्ट ये, इसे आप 0.001 भी रिटर्न कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो यहाँ तो 1 रिमेनिंग हुआ और यहाँ पर 999x, तो x इज इक्वल हो गया 1/999। दैट्स ओके, सम कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन 4, x फेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। स्टूडेंट यहाँ गिवन है 0.9999, जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आप इस आंसर को देख के सरप्राइज भी होंगे, उसके बाद आप अपने टीचर और क्लासमेट से भी डिस्कस कर सकते हैं इसके विषय में। अब ऐसा क्या है जो आप खुद सरप्राइज होंगे, देखते हैं अभी। देखो ये 0.9999 है ना, तो इसे आप क्या माइंड करेंगे, 0.9 बार। ओके, इसको आप 0.992 टाइम रिटर्न कर लें, काम चल जाएगा। यहां रिटर्न करें लेट्स 0.99 इज इक्वल एक्स, इसे इक्वेशन 1 नेम देते हैं। अब यहां रिटर्न करें मल्टीप्लाई बाय 10 टू द इक्वेशन 1, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9.99। आप सोच रहे होंगे यहां तो 2 टाइम 9 है, ये 3 टाइम हो गया, ये तो भाई मेनी टाइम है ना, तो आपको जितनी नीड है उतने टाइम यूज कर सकते हो। इज इक्वल 10x, यह इक्वेशन सेकंड हो गई। अब आप सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां रिटर्न करें सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है 9.99 इज इक्वल 10x, और इक्वेशन फर्स्ट है 0.99 इज इक्वल एक्स। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करें, देखो 10 माइनस 1, यह तो 9x हो गया, इज इक्वल यह सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 9 हो गया, x इज इक्वल हुआ 9/9 इज इक्वल 1। यहां आपसे बोला है ना क्या आप सरप्राइज भी हुए, तो यह कि x की वैल्यू 1 आई है तो आई थिंक आप सरप्राइज तो जरूर हुए होंगे। और यह आगे बोला है आप अपने टीचर और क्लासमेट से भी डिस्कस कर सकते हैं, इस आंसर से आपको क्या सेंस मिला। स्टूडेंट जहां तक यह मेक सेंस की बात है तो यहां हमें सेंस यही मिलता है, जैसे जब किसी नंबर के ऊपर बार लगा होता है, जैसे 6 के ऊपर बार है, इस बार को रिमूव करने के लिए बाय 9 आ जाता है। ओके, ये जो है ना मेक सेंस मीन्स यही है कि आपको क्या सेंस पता चलता है, वह सेंस ये है कि जब जितने भी डिजिट पर बार लगे हों उसे रिमूव करने के लिए उतने ही टाइम डिनोमिनेटर में 9 आ जाता है। ओके, क्वेश्चन 5, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। स्टूडेंट यहां आपसे बोला जा रहा है कि जब आप 1/17 को डेसिमल में एक्सपेंशन करेंगे, देखो स्टूडेंट इसे हम प्रॉपरली करने के लिए 1 में 17 से डिवाइड करते हैं, 1 को 17 से डिवाइड करते हैं। देखो ये 1 टाइम तो नहीं जाएगा, 0 टाइम किया 0 हो गया, सबट्रैक्ट किया 1 रिमाइंडर,
डेसिमल एंड जीरो, अभी भी ये वन टाइम नहीं होगा, जीरो टाइम करते हैं तो यह जीरो हो गया। अब यह टेन रिमेनिंग हुआ, डेसिमल लगा है, जीरो यूज किए, 17.5 टाइम 85 सबट्रैक्ट किया, 15 आंसर हो गया। डेसिमल है, जीरो यूज किया, 17.8 टाइम 136 सबट्रैक्ट किया, यहाँ पर 4 यहाँ 1, इसी डेसिमल को यूज करते हुए फिर जीरो यूज किए, अगेन 8 टाइम 136। नाउ रिमेनिंग इज 4, हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, इसी डेसिमल से जीरो यूज किया, 2 टाइम 34 सबट्रैक्ट किया, 6 हो गया। डेसिमल से जीरो यूज किया, 3 टाइम 51 सबट्रैक्ट किया, 9 हो गया। डेसिमल से जीरो यूज किया, 5 टाइम 85 सबट्रैक्ट किया, 5 हो गया। डेसिमल है जीरो, 2 टाइम 34 सबट्रैक्ट करते हैं, यह 6 और यह 1, डेसिमल है जीरो यूज किया। नाउ 9 टाइम 79 टाइम 153 सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 7 हो गया। डेसिमल है जीरो यूज कर लेते हैं, 4 टाइम 17 4 टाइम 68 रिमेनिंग 2। डेसिमल से जीरो यूज किया, 1 टाइम 17 3 रिमेनिंग, डेसिमल से जीरो यूज किया, अगेन 17 1 टाइम 17 सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 3 यहाँ पर 1, डेसिमल है जीरो यूज किया। नाउ 7 टाइम 17 7 टाइम 119 सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 1 यहाँ भी 1 एंड जीरो। 6 टाइम 102 सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 8, डेसिमल से जीरो यूज किया। 4 टाइम 68 सबट्रैक्ट करेंगे, 2 और यहाँ पर 1, जीरो यूज किया। अब इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं, 7 टाइम 119 रिमेनिंग 1 हुआ, आप यहाँ पर आ गए, फिर से यह सेम होने लगेगा। मीन्स जो रिपीटिंग डिजिट हैं वो ये सारे आने हैं, ओके रिपीटिंग डिजिट होंगे 0588235294117647, इतने सारे नंबर रिपीटिंग होंगे, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लुक एट सर्वल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशंस, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। देखो स्टूडेंट, यहां आपसे बोला है कि आप कुछ एग्जाम्पल्स देखें रेशनल नंबर के जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, क्यू जीरो नहीं हो। यहाँ पर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 से अतिरिक्त, और वे टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हो। इसके बाद आप गैस करें कि उनमें क्या प्रॉपर्टी है जो क्यू को सेटिस्फाई करे। देखो स्टूडेंट, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया हमने 9/5, इसे डेसिमल में करते हैं, 9 में 5 का डिवाइड करते हैं, तो 9 वन टाइम 9, 5 वन टाइम 5, रिमेनिंग 4, डेसिमल 0, 5 8 टाइम 40, तो ये हो गया 1.8। सेकेंड 15/8 ले लेते हैं, आप 15 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 वन टाइम 8,
रिमेनिंग 7 डेसिमल 0 8 8 जा 64, रिमेनिंग 6 डेसिमल से 0 8 7 जा 56, रिमेनिंग 4 डेसिमल से 0 8 5 टाइम 40। ये हो गया 1.875। हम नेक्स्ट नंबर 7/4 ले लेते हैं। आप 4 से 7 को डिवाइड करो, 4 1 टाइम 4, रिमेनिंग 3 डेसिमल एंड 0 4 7 टाइम 28, रिमेनिंग 2 डेसिमल है 0 यूज किया 4 5 टाइम 20। तो ये हो गया 1.875। देखो स्टूडेंट, यहां बोला है क्यू ए नॉट इक्वल 0, तो हमारा यहाँ कहीं भी क्यू 0 नहीं है। ये सभी रैशनल नंबर हैं, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर भी नहीं है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग जानते हो ना, रिमाइंडर 0 आता है, वे नंबर जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देते हैं आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। तो ये सभी सेटिस्फाई हो रहे हैं। साथ में आपसे बोला है कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। आप क्यू के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, क्या आप गैस कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। क्यू के लिए यदि यह मल्टीपल ऑफ 2 या 5 होता है, जो क्वेश्चन है व्हाट 2 या 5 का मल्टीपल होता है, तो डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग जाता है। जो क्वेश्चन है वह 2 और 5 हो या इनका मल्टीपल हो, तो आपका डेसिमल टर्मिनेटिंग ही जाता है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर ने 8 और 4 का डिवाइड किया है और हमसे 2 और 5 बोल रहे हैं? भाई 8 भी तो मल्टीपल 2 का है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 ये 2 इंटू 2। जब डिनोमिनेटर 2 और 5 का मल्टीपल हो, 2 और 5 का मल्टीपल हो, तो आपका डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है। दैट्स ओके। आप चाहें तो यहां रिटर्न कर सकते हैं, इफ क्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, 2 और 5, देन डेसिमल विल बी टर्मिनेटिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। स्टूडेंट, यह आपसे बोला जा रहा है कि आप 3 नंबर्स रिटर्न करें जिनके डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। इसके एग्जाम्पल के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। आप कोई टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, आंसर शीट वाले आंसर सेम टू सेम टेप दो, आपका आंसर हो गया। सेकंड, कुछ जो अच्छे से स्टडी करने वाले बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बात बता रहे हैं। कोई बात नहीं, उनको स्टडी के बेस पर बता देते हैं। देखो, ऐसे नंबर्स आप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए आप एनी 3 रूट नंबर को सॉल्व कर लो। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √8 है, कोई भी नंबर ले सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल के लिए हम एक नंबर हम √2 लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट सॉल्व करना तो आप जानते हैं ना, फर्स्ट हम 1 से करेंगे, 1 1 जा 1, ये 1 यहाँ रख के ऐड किया 2 हो गया, सबट्रैक्ट किया 1 रिमेनिंग हुआ। यहाँ डेसिमल लगा के आप अनलिमिटेड टाइम 0 यूज कर सकते हैं। अब हम जो कैरी करेंगे ना, तो वो सिंगल 0 नहीं, ये पेयर में कैरी किया जाता है रूट में। तो ये हमने 0 0 मीन्स 0 का पेयर कैरी किया। अब हम 4 टाइम ट्राई करें, तो ये 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 एंड 1 9,
यह 96 हो गया। इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो यह 4 रिमेनिंग हुआ। ये वाला 4 यहाँ तक के ऐड कर लिया, इस तरह से यह 28 हो गया। अब 0 का पेयर कैरी किया, वन टाइम ट्राई करते हैं। 281 टाइम 281, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 9 हो गया, ये 1 और यह भी 1। यह 1 यहाँ रख के ऐड किया तो यह 2 हो गया, 8 2। 0 का पेयर कैरी डाउन किया, अगेन 4 टाइम ट्राई करते हैं। 4 4 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 एंड 3 11। सब्ट्रैक्ट करते हैं 4 0 6। 0 का पेयर कैरी डाउन किया, यह 4 यहाँ रख के ऐड किया, 8 2 8 2। नाउ 2 टाइम 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, कैरी ओवर 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 एंड 1 5। यह 2 यहाँ रख के ऐड किया तो ये हो गया 2 2 जा 4, 8 2 8 2। इन्हें सब्ट्रैक्ट किया, 6 3 8 3। 0 का पेयर कैरी किया, अब 1 टाइम ट्राई करते हैं तो यह सेम एज 2 8 2 8 4 1 हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन ट्राई करेंगे, इस तरह से यह नंबर आगे चलते जाएंगे जो एंड नहीं होंगे। तो यह नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ रहा, नॉन रिकरिंग हो गया, मीन्स सेम टू सेम नंबर फिर से नहीं आ रहे। कुछ स्टूडेंट थिंकिंग कर रहे होंगे कि यह 4 तो सेम आ गया और 1 भी सेम आ गया, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नंबर रिपीट नहीं हो रहे। देखो, यह 4 और 1 रिपीट तो हुए हैं, बट रिपीटिंग का मीन्स होता है कि वहां से नंबर सेम टू सेम आने लगे, ऐसा तो नहीं हो रहा। ओके, इस तरह से आपने रूट टू सॉल्व किया तो उसका आंसर आ गया 1.41421। तो यह फर्स्ट नंबर हो गया। अब सेकंड करते हैं, इसी तरह से आप रूट थ्री सॉल्व कर लेंगे, और जब रूट थ्री सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1.71230505, और आगे सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से नंबर आते जाएंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होंगे। अब नेक्स्ट रूट फाइव करेंगे, जब आप रूट फाइव को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.23606789। इस तरह से नंबर चलते जाएंगे। ओके, इस तरह से ये 3 नंबर्स हो गए जो कि डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ओके, अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/7। यहाँ आपसे बोला गया है कि आप 5/7 और 9/11 के मिड में, के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइंड करें। देखो स्टूडेंट, यह 5/7 है तो आप 5 को 7 से डिवाइड कर लो। 7 0 टाइम 0, रिमेनिंग 5 डेसिमल एंड 0, 7 7 टाइम 49, रिमेनिंग 1 डेसिमल यूज करते हुए 0, 7 1 टाइम 7, रिमेनिंग 3 डेसिमल यूज करते हुए 0, 7 4 टाइम 28, रिमेनिंग 2 डेसिमल यूज करते हुए 0, 7 2 टाइम 14, रिमेनिंग 6 डेसिमल यूज करते हुए 0, 7 8 टाइम 56। इस तरह से
आपका फर्स्ट नंबर हुआ 0.71142 8, और सेकंड नंबर है ये 9/11, तो आप 9 को 11 से डिवाइड करो, 11 0 टाइम 0, रिमेनिंग 9 डेसिमल एंड 0 11 8 टाइम 88, रिमेनिंग 2 डेसिमल को यूज करते हुए 0 11 1 टाइम 11, रिमेनिंग 9 डेसिमल यूज करते हुए 0 11 8 टाइम 88, रिमेनिंग 2 0 11 1 टाइम 11। इस तरह से यह 0.818181 यह चलता जाएगा। आप इन दोनों के मिड में यानी इन दोनों के बीच में एनी 3 नंबर आपने रिटर्न करने हैं, ओके। इससे ग्रेट हो और इससे स्मॉल हो तो आप जो चाहे 3 नंबर यूज कर सकते हैं। हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 0.73073007 0 0 7 0 0 0, और सेकंड नंबर ले लेते हैं 0.75075 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 0, इस तरह से कर लेंगे। थर्ड नंबर हम ले लेते हैं 0.79 0 7 9 0 0 7 9 0 0 0 7 9, यहाँ चाहो तो 7573, इस तरह से ये नंबर हो गए। ये 3 नंबर आपके बिटवीन 5/7 एंड 9/11 के बिटवीन में ये 3 नंबर हो गए जो कि इरेशनल हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। स्टूडेंट आपने यहाँ इन नंबर्स को बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन कौन से इरेशनल हैं। देखो स्टूडेंट, यह √23 है जो रूट सॉल्व नहीं होते, मीन्स स्क्वायर रूट सॉल्व करने पर आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आता है, वे नंबर इरेशनल होते हैं। इस तरह से यह √23 इरेशनल नंबर हुआ, यहां रिटर्न करते हैं इरेशनल नंबर। अब ये है √225, देखो इसका रूट सॉल्व करते हैं 225, यह पेयर हो गया, यह नॉन पेयर है। आप वन टाइम करें 1 1 टाइम 1, सबट्रैक्ट करेंगे 1 हो गया, यह 1 यहां रख के ऐड किया तो यह 2 हो गया, और यह 25 कैरी डाउन किया। अब हम 5 टाइम करें तो 5 5 जा 25 कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10 एंड 2 12, इस तरह से इसका आंसर आया 15। आप 15/1 तो कर सकते हो ना, यह P/Q की फॉर्म में हो गया, इसीलिए यह नंबर हुआ रैशनल, यह नंबर हुआ रैशनल, यहां रिटर्न कर दें रैशनल। और देखो स्टूडेंट, यह डेसिमल टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल होते हैं, यहां रिटर्न कर दें रैशनल नंबर। पार्ट 4, 7.478478, स्टूडेंट इसके बाद में ये डॉट डॉट है ना, इट मींस 7878 बार बार आ रहा है, इस तरह से यह नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बोले जाते हैं रैशनल नंबर, और यह देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ऐसे नंबर होते हैं इरेशनल नंबर।